बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मेहराब नासिर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडर बहरिया टाउन कराची। आज हम मौजूद हैं कैलिफोर्निया रियल स्टेट एंड बिल्डर के ऑफिस में, जो कि बहरिया टाउन कराची के सबसे अट्रैक्टिंग बिल्डर हैं, और इनके जो बहरिया टाउन कराची में काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लेंगे हफीज़ भाई से, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। इनसे हम ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि बहरिया टाउन कराची में इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर ऑन साइड वर्क हो रहा है। हफीज़ भाई, ये हमारे कस्टमर को बता दें कि आपके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं कमर्शियल, और कौन से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, और किस एरिया में हैं। ये थैंक यू मेहराब भाई। सबसे पहले कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पायनियर है बहरिया टाउन कराची में। सबसे पहला जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट किसी भी प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से दिया गया, वो बहरिया टाउन कराची में कैलिफोर्निया की तरफ से लिबर्टी रेजिडेंशियल के नाम से हम ये प्रोजेक्ट लेके आए। ये प्रोजेक्ट अपना कम्प्लीशन स्टेज में है और ये मिड वे ए के सामने है, जहाँ बहरिया का अपना हेड ऑफिस है, जहाँ ट्रांसफर वगैरह होती हैं। इसके अलावा हमारे अदर एरियाज़ में चार डिफरेंट और लोकेशंस हैं जहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हमारे ऑन साइट काम हो रहा है, जिसमें लेक व्यू रेजिडेंशिया के नाम से प्रोजेक्ट है हमारा अपार्टमेंट का। फिर थीम पार्क के बिल्कुल सामने एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेस है रेजिडेंशियल की, थीम पार्क रेजिडेंशियल के नाम से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर बहरिया हिल्स के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन लोकेशन है बहरिया की, वहाँ कैलिफोर्निया रेजिडेंशियल के नाम से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रिसन 2 जो बड़ा ज़बरदस्त लिविंग स्पेस है या प्लेस है, वहाँ हम कायद रेजिडेंशियल के नाम से प्रोजेक्ट है, वहाँ काम हो रहा है। तो ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं लिबर्टी रेजिडेंशियल के अलावा जिन पर काम हो रहा है हमारे पास। और इसके अलावा हमारे 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। टेक मॉल के नाम से हमारा बहरिया टाउन कराची में बनने वाला सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉल है और सबसे पहला प्रोजेक्ट है कमर्शियल्स का बहरिया में बनने वाला, ये इस पे काम हो रहा है। मोर देन हाफ जो उसका स्ट्रक्चर बन गया। इसके अलावा हम बहरिया टाउन कराची में मेडिकल से फैसिलिटी से रिलेवेंट एक डॉक्टर प्लाजा के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेके आए थे, अलहमदिल्ला उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसके अलावा ड्रेस मॉल के नाम से हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। तो 8 डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ अलहमदिल्ला कंस्ट्रक्शन हो रही है कैलिफोर्निया प्रोजेक्ट्स की। जी जी। तो आपने पहले बताया कि ये जो कायद और इकबाल विला के लोकेशन पे आप बनाने जा रहे हैं, इसमें कितने बेड अकोमोडेशन है, ये भी थोड़ी सी डिटेल बता दें। ये कायद रेजिडेंशियल जो है ये ग्राउंड प्लस 8 का ये प्रोजेक्ट है, जो बेसमेंट जो ग्राउंड है वो कमर्शियल हैं, ऊपर जो 8 फ्लोर्स हैं वो सारे अपार्टमेंट के हैं। इसमें 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं इस लोकेशन के ऊपर। जी, मतलब कि जो लोग कायद विला और इकबाल विला में नहीं अपना विला बाय कर सकते, वो इसमें आपके पास बुकिंग पे अपार्टमेंट ले सकते हैं, अभी आपके पास अवेलेबल है बुकिंग पे अपार्टमेंट में। इस लोकेशन के ऊपर अभी हमारे जो अपार्टमेंट है वो बुक हो गए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ शोरूम की कैपेसिटी या अवेलेबिलिटी है। लेकिन कैलिफोर्निया के पास अगर आप में से कोई जो व्यूवर्स हैं पीपीएल के, अगर वो खरीदना चाहें, तो कैलिफोर्निया की इस वक्त कैलिफोर्निया हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट है जो प्रिसेंट 8 में है। ये बहरिया जो हाइट्स हैं, जो 8 टावर हैं बहरिया के, जहाँ अप्रॉक्सीमेट 1500 से 1600 अपार्टमेंट बनने जा रहे हैं, उसके अलावा प्रिसेंट 6 और 8 के काफ़ी ज़्यादा घर बन रहे हैं बहरिया के अंदर, उसकी लोकेलिटी में ये बहरिया हाइट्स के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। तो वहाँ हमारे पास अवेलेबिलिटी 1 बेड और 2 बेड की है। जो लोग कैलिफोर्निया जो बहरिया हाइट्स जो अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ प्लस के यूनिट्स हैं, अगर कोई लमसम पेमेंट पर नहीं ले सकता, तो वो इसी लोकेलिटी के अंदर कैलिफोर्निया हाइट्स में वो इंस्टॉलमेंट पे हमसे बुक करवा सकते हैं। जी जी जी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग इंस्टॉलमेंट पे लाइक करते हैं कि हमें जो अच्छी लोकेशन का अपार्टमेंट मिले, उसके लिए आपने ये बताया। और दूसरा आप ये बता दें कि आपने काफ़ी माशाल्लाह प्रोजेक्ट किए कैलिफोर्निया रियल इस्टेट ने, और इसमें डिफरेंट क्या है, दूसरे भी काफ़ी बिल्डर हैं जो बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं, तो उनमें से आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा हटके है, आप ये भी डिटेल बता दें किस कंसेप्ट में बनाते हैं आप अपने प्रोजेक्ट। जी, मैं सबसे पहले रेजिडेंशियल का बताऊंगा। डिफरेंट बिल्डर्स डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर बहरिया में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जी जी जी। कुछ क्राउन प्लस 30 बना रहे हैं, कुछ क्राउन प्लस 20 हैं। तो हम पहले तो हम दूसरे से डिफरेंट इसलिए हैं कि हम मैक्सिमम ग्राउंड प्लस 10-12 के प्रोजेक्ट लेके आते हैं, ताकि जल्दी हम क्लाइंट को हैंडओवर कर सकें उसको कंप्लीट करके। तो हम उसके लिए एक शॉर्ट पीरियड वाला प्रोजेक्ट जो है वो लेके आते हैं। फिर हम इसकी लोकेलिटी जब डिफाइन करते हैं या वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो हम उसको मोस्ट रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, तो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं उसकी वसीनिटी में, फॉर एग्जाम्पल प्रिसन 2 का जो कायद रेजिडेंशियल है, मतलब लोकेशन पर डिपेंड करता है, वहाँ हम लोकेलिटी ऐसी सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिसन 2 है, तो वहाँ हमारे पास पार्क भी
सराउंडिंग में हैं, आपका शॉपिंग एरिया भी है, वहाँ मस्जिद भी है, तो हमने वो डिसाइड किया। इसी तरह कैलिफोर्निया हाइट्स का मैंने ऑलरेडी बताया कि वो बेरी हाइट्स ऑलरेडी वहाँ 1500-1600 अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं, तो वहाँ हमने वो लोकेलिटी, इसी तरह हमने लेक व्यू वाला प्रोजेक्ट जो है लेक फेसिंग किया कि एक अच्छा व्यू उसमें आ सके, या थीम पार्क के सामने थीम पार्क फेसिंग का एक व्यू प्रॉपर मिले। तो हम डिफरेंट इस वजह से हैं कि हम एक तो जो लोकेशन है वो आइडेंटिफाई करते हैं जो मोस्ट रेलिवेंट हो उस प्रोजेक्ट की। फिर हम बैरीडन कराची में हमने कुछ प्रोजेक्ट दिए हैं, सारे प्रोजेक्ट तो फर्निश अपार्टमेंट्स वाले नहीं हैं, लेकिन हमने लेकव्यू रेजिडेंशिया के नाम से जो प्रोजेक्ट किया, जो कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया के नाम से प्रोजेक्ट किया, ये हमने फर्निश अपार्टमेंट दिए। ये बैरीडन कराची में पहला हमें बिल्डर होने का एजाज है कि हम फर्निश अपार्टमेंट दे रहे हैं, वरना अदर बिल्डर जो हैं वो रेजिडेंशियल में कोई फर्निश अपार्टमेंट्स ऑफर नहीं कर रहे। तो ये रेजिडेंशियल का है। और कमर्शियल का आपने पूछा, तो हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट नहीं है कि जी ग्राउंड प्लस 10 12 या 18 बना दिया और जो मर्जी शॉप आप कमर्शियल शुरू कर लें, वो नॉर्मली ऑफिस होते हैं। हमने जो भी प्रोजेक्ट दिया वो थीम बेस्ड और नेचर एक स्पेसिफिक दिया, जिस तरह टेक मॉल है तो वो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट, हमने पूरी टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट जितनी इंडस्ट्री है जितनी प्रोडक्ट्स है हमने कोशिश की कि वो एक छत के नीचे एक प्रोजेक्ट में आ जाए। जो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट चीज़ें खरीदना चाहें वो एक प्रोजेक्ट में जाएँ या एक लोकेशन पर जाएँ और चीज़ें सारी खरीद सकें। इसी तरह डॉक्टर्स प्लाजा हमने दिया और मेडिकल से रेलिवेंट सारी सर्विसेज जो देना चाह रहे हैं बहरिया के अंदर, उनका बहरिया के बाहर या कराची में या सिंध में कहीं भी कोई मेडिकल से सर्विसेज दे रहा है, वो चाहे अपना क्लिनिक डॉक्टर रन कर रहे हैं या उन्होंने फार्मेसी बनाई हुई है या किसी ने लैब बनाई हुई है, तो हमने उन सब को एक जगह इकट्ठा किया डॉक्टर्स प्लाजा में ताकि वो एक प्लेस पे अवेलेबल हों। और ये क्लाइंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि अगर किसी ने कोई मेडिकल से रेलिवेंट सर्विसेज किसी डॉक्टर के लेनी है तो वो एक प्लेस पे जाए और वहाँ सारे डॉक्टर उससे रेलिवेंट हर स्पेशलिटी का डॉक्टर अवेलेबल हो, जो जिससे कंसर्नड हो, जिससे कंसर्न सर्विसेज लेना चाह रहा वो ले सके। इसी तरह हमने ड्रेस मॉल के नाम से जो प्रोजेक्ट किया था वो उसमें हमने ग्राउंड प्लस 2 का प्रोजेक्ट 4 का प्रोजेक्ट है उसमें हमने सारे जो ड्रेसिंग से रेलिवेंट जितनी शॉप्स हैं हमने उनको इन्वाइट किया, जो क्लाइंट्स आना चाह रहे हैं उनको इन्वाइट किया कि वो आके बुकिंग करवाएं ताकि आने वाले 2-2.5 साल में जब ये रेडी हो जाएगा तो यहाँ भी एक स्पेसिफिक नेचर की चीज़ें अवेलेबल हो। तो इस पैटर्न पे ये हम डिफरेंट हैं थोड़ा सा दीगर काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपने जो भी जितने प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किए हैं वो काफ़ी डिफरेंट किए हैं दूसरे बिल्डिंग के निस्बत। और सबसे जो प्लस पॉइंट आता है, आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है बैरिया फैक्ट्रीज के लिए, बिल्कुल ये भी आप शेयर कर दें कि वो आपको आपके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप जो बैरिया के फैक्ट्रीज हैं उनको वेलकम करेंगे, उनकी जो परेशानी है वो दूर करेंगे। देखिए फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमने जितने प्रोजेक्ट लॉन्च किए उसमें जो बहरिया की फैक्ट्रीज हैं जिनकी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं हम उसको वेलकम करते हैं जिस तरह दीगर बिल्डर्स कर रहे हैं। लेकिन बहरिया में लास्ट 6-8 मंथ से या 1 ईयर से अभी पैटर्न या पैटर्न शिफ्ट हो गया है नॉर्मली कैश के ऊपर। कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो परमानेंट जो है वो कैश पे शिफ्ट हो गए हैं, वो किसी भी फाइल को एंटरटेन नहीं करते। लेकिन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल टू डेट हम सिर्फ ड्रेस मॉल के अलावा बाकी जितने प्रोजेक्ट जहाँ अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है बींग ए बिल्डर हमारे पास अवेलेबिलिटी है हम वहाँ फाइलों को एंटरटेन कर रहे हैं या इनक्रेज कर रहे हैं उसको। जी जी, जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा हफीज़ भाई ने आपको जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सब प्रोजेक्ट में डिफरेंट भी बता दिया दूसरे बिल्डर की निस्बत। तो आप अगर बहरिया टाउन कराची में आपकी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं तो हम उनको भी वेलकम करेंगे, और अगर आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हफीज़ भाई बुकिंग करवाने के लिए आप थोड़ा बता दें कि आप हमारे जो कस्टमर है वो कैसे बुकिंग करवाएंगे, वो भी थोड़ी सी डिटेल बता दें। देखिए बहरिया के अंदर कैलिफोर्निया बिल्डर इटसेल्फ खुद मौजूद है, और दूसरा ये कि PPL जो है हमारा ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर है, जिस तरह जो फैसिलिटी जो रेट्स हम ऑफर कैलिफोर्निया वाले ऑफर करते हैं सेम वो रेट जो है वो PPL भी ऑथोराइज्ड है और वो मार्केटिंग पार्टनर है हमारा, आप PPL के थ्रू भी इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। जी, इसी के साथ अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या बुकिंग करवाना चाहते हैं नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।